हमारे बाजारों में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो हाँ, जिस तरह से डर, कंफ्यूजन, शंका का माहौल था, उस बीच हमने देखा कैश मार्केट में FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1891 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन उसके सामने हमने घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी 1180 करोड़ के आसपास बनती हुई देखी। और FNO स्पेस पर नजर डाली जाए तो FIIs की तरफ से यहां पर भी हमने कुछ हल्की फुल्की खरीदारी ही होते हुए देखी है। तो जिस तरह के मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स FIIs का डेटा जो हमारे सामने है, इन सबके मद्देनजर आज हमारे मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा, आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, कल ना तो सिर्फ हमारे मार्केट के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए बड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा माहौल रहा है। सर, क्या आज भी ऐसा ही ट्रेंड, ऐसे ही चाल जारी रहेगी? एंड तब निफ्टी बैंक निफ्टी सर क्या रणनीति होगी इसमें? जी गुड मॉर्निंग। आप देखिए, बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है ग्लोबल मार्केट में कल और आज में, और अगर थोड़ा बहुत बदला है तो वो हल्का सा खबरों के लिहाज से न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पे, कि अमेरिका और बाकी नेटो देश अभी मान नहीं रहे कि रशिया युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रशिया और यूक्रेन की तरफ से ऐसे संकेत है नहीं कि वो लड़ना चाहते हैं। कोई खास अच्छी खबर नहीं आई है। हाँ, अच्छी खबर फेड की यूनिट्स के बाद आती हुई दिखी, जिससे बाजार को एक कम्फर्ट मिला है। लेकिन दो चीजें पर बाजार कमजोर होता दिख रहा है, एक अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, और दूसरा रशिया यूक्रेन। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका वाले मोर्चे पर हल्की सी राहत वाली खबर है कि अमेरिका की फेड की बैठक में कोई खास ऐसा खराब संकेत आता हुआ नजर नहीं आया है। अब रशिया यूक्रेन का जहां तक मामला है, एक दो दिन और बाजार में यही छाया रहेगा। अब देखते हैं कहां किस तरफ कब कैसी खबर आती है, उस पर बाजार रिएक्शन देंगे। ठीक वैसे जैसे कल आपने दोनों तरफ की खबरें आते हुए देखा, तो वो अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। अब उसके अलावा फंड का एक्शन देखें तो फंड का एक्शन लगभग उसी तरह का है, FIIs बिकवाली कर ही रहे। हाँ, कल के सेशन में एक अच्छी बात ये हुई है कि वायदा कारोबार में FIIs की तरफ से थोड़ी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखे, तो आंकड़े उतने बुरे हैं नहीं। और आखिर में आज ये वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी, तो इस लिहाज से ढेर सारा एक्शन आपके लिए रहने वाला ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि दोनों ही तरफ की रेंज रह सकती है, वोलेटाइल रह सकते हैं। निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और ये होगा 17,125 की तरफ के आसपास, 17,150 ये आप सपोर्ट के तौर पर लेकर चल सकते हैं। बाजार के लिए इस रेंज पर नजर रखिए, अगर इस रेंज में आता है तो हल्की फुल्की खरीदारी होगी। कमजोरी ज्यादा तभी दिखेगी जब 17,000 के नीचे जाए, जिसकी संभावना थोड़ी अभी इस वक्त कम नजर आती है। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ, 17,475 ये रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी भी 38,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ, 37,350 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,400 ये है वो रेंज जहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है।